आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी महिला को फांसी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बाद राष्ट्रपति ने भी शबनम की दया याचिका को खारिज कर दिया है। इसके बाद मथुरा स्थित फांसी घर में अमरोहा की शबनम को फांसी पर लटकाया जाएगा। इसके लिए मथुरा जेल में तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बीच पवन जल्लाद शबनम को 7 हत्याओं की सजा देने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्हें इंतजार है तो बस बुलावे का और तारीख का। बता दें कि अभी फांसी देने की तारीख तय नहीं हुई है। पवन जल्लाद मेरठ के रहने वाले हैं, अब वो अमरोहा की शबनम को फांसी देने का इंतजार कर रहे हैं। पवन जल्लाद मथुरा के फांसी घर का दौरा भी कर चुके हैं, वहां की कमियों की जानकारी अधिकारियों को दे चुके हैं ताकि उसे समय पर ठीक कराया जा सके। आपको बता दें कि शबनम को फांसी देने के लिए बिहार के बक्सर से रस्सी मंगवाई गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पवन का मानना है कि क्राइम करने वाला पुरुष हो या महिला, वो उसकी नज़र में अपराधी रहेगा क्योंकि क्राइम तो क्राइम है। उन्होंने कहा कि प्रेम में अंधी होकर अपने ही पूरे परिवार की निर्ममता से हत्या करने वाली शबनम को समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे में फांसी की तारीख आएगी और उन्हें बुलाया जाता है तो वो फौरन मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे। 21 मई को सुबह 4 बजे पवन जल्लाद ने ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में निर्भया कांड के 4 दोषियों को फांसी पर लटकाया था। गौरतलब है कि पवन के नाम अब तक 4 फांसी देने का रिकॉर्ड है। उनकी कई पीढ़ियां इसी पुश्तैनी काम को करती आ रही हैं।